तो अभी फ़िलहाल मैं अभी मेस की तरफ जा रहा हूँ, जो कि टिफ़िन है फास्ट मील, तो उसको जाना पड़ेगा अभी, तो चलते हैं। तो अभी फ़िलहाल लंबा लाइन है, तो हमने अभी वेट किया है यहाँ पे, और मेरा दोस्त को देखिए ये अभी आ चुका है, तो अभी हम लाइन पे मिल के फिलहाल अभी वेट करने वाले हमारा बारी आने तक, तो आ जाओ भाई। खा चुके हो? ये खा चुका है गाइस, बड़ा हरामी हो बेटा। तो फिर तो ठीक है, फिर हम लेते हैं आगे, तो कितना बड़ा सा लाइन है, तो फिलहाल कोई नहीं, वेट कर लेते हैं थोड़ा देर। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चे अपने अपने लेके बैठ चुके हैं, वैसे अभी हमारा बारी आ चुका है। यहाँ देख सकते हो फिलहाल मैं अपना जो चिकन लेके आ चुका हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्राइट, और मेरे साथ मेरे दोस्त लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, माता ब्लॉग और साथ में उनके दोस्त आ रहे हैं हमारे बैठे हैं। तो फिलहाल जल्दी से कम्प्लीटली कम्प्लीट कर लेते हैं इसको, फिर आगे की बात आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। देख सकते हो कितना बड़ा भीड़ है यहाँ पे, आप देख सकते हो बहुत भीड़ है अभी फिलहाल। चिकन पकौड़ा के साथ जो स्प्राइट का कॉम्बिनेशन है वो सही में लाजवाब है, तो बहुत मज़ा आ गया खा के। फिलहाल ये तो टिफ़िन था, फिर देखते हैं लंच डिनर पे क्या बनता है फिलहाल। तो गाइस अभी फिलहाल कुछ हादसा हो गया मेरे दोस्त के साथ, वो फिर खुद बताएंगे अभी, तो आप अभी उनके मुंह से सुन सकते हैं क्या हादसा हो गया भाई तुम्हारे साथ। हुआ क्या था कि मैं चला गया था और एक बार लेने, क्योंकि था मेरे को लगा अच्छा, इसलिए मैं चला गया था और एक बार लेने। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है भाई, ऐसा मत करना भाई, क्योंकि भाई पहचान लेते हैं भाई, पूरा सबका सीरियल पूरा कार्ड देख देख के चेकिंग हो रहा है भाई, भगा दिया भाई। और ऐसा मत करना दोस्त, अगली बार ऐसा नहीं करना, तो आप इसे भूल के भी भूल मत कीजिएगा, नहीं करना चाहिए। फिलहाल ये तो चले गए थे वहाँ पे डबल लाने के लिए, जो कि कानूनी तौर पे गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दोस्त डबल लेके जा रहे हैं, जो कि सही है, वो अपने दोस्त के लिए लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करो दोस्त, एंजॉय करो। अभी आपको थोड़ा सा मैं मरीची का लाइब्रेरी दिखा देता हूँ, कैसे लाइब्रेरी फिलहाल होता है, तो अंदर चलते हैं। तो ऐसा खुद फिलहाल कुछ लाइब्रेरी का लुक आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, अभी पास चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है, हाँ आओगे तो ये देखो कैसे लाइब्रेरी का फैसिलिटीज़ मिल जाता है, और वहाँ पे देखो इंटरनेट फैसिलिटीज़, और यहाँ पे कुछ डेस्कटॉप सेटअप भी है, अगर इसका काम होता है फिलहाल वो यूज़ करते हैं। फिलहाल बच्चे यूज़ नहीं करते, क्योंकि बच्चे इसलिए डेस्कटॉप यूज़ नहीं करते यहाँ का जो है, फिलहाल उनके पास सबके पास लैपटॉप्स होता है अपने अपने, तो ये ज़रूरी नहीं पड़ता। और हॉस्टल में बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाता है, ब्रॉडबैंड फैसिलिटी, तो बच्चे अपने अपने रूम पे राउटर लगा लेते हैं, जो कि सबसे बड़ा अच्छा बात है। तो वैसे हमको कुछ प्रॉब्लम ही होता, कुछ भी डाउनलोड करना होगा और कुछ भी पढ़ाई करना होगा, वो बहुत हम फास्ट तरीके से कर लेते हैं। आप पीछे देख सकते हो ये मरीची का लाइब्रेरी है फिलहाल, और यहाँ पे मैं हूँ, आप पीछे देख सकते हो वो डेस्कटॉप्स सारे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं, क्या भैया यहाँ पे रैगिंग होता है, तो मैं उनसे बताना चाहूँगा यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होता है। अभी फ़िलहाल मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, ऐसा केसेस मैं नहीं देखा हूँ, आप बिल्कुल घबराइए मत, यहाँ पे रैगिंग बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट कि डोंट रैग जस्ट इंटरैक्ट, इस तरह कुछ यहाँ पोस्टर्स लगे हैं, तो रैगिंग फ़िलहाल तो नहीं होता है यहाँ पे, तो आप भी बिल्कुल ऐसे डरिए मत, आइए फुल जोश के साथ और पढ़ाई कीजिए। रैगिंग अभी जैसे आप दिखाया, अभी मैं पोस्टर से बिल्कुल रैगिंग यहाँ पे नहीं होता है, और अभी बहुत सारे बच्चे, तो बिल्कुल आप मत डरिए, यहाँ पे आइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ, अपना काम कीजिए, डिसिप्लिन लीजिए, और अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाइए। आपको मेरे ओर से ऑल द बेस्ट। और एक बात है कि BSSUT और नेक्स्ट ईयर तक, अभी आप न्यूज़ से पता चल गया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि नेशनल यूनिवर्सिटी बनने वाला है, क्योंकि 2000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका डेवलप भी किया जाएगा,
तो आप जान सकते हो फिलहाल ये अभी थर्ड टायर गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं सब कोई, तो फिलहाल अभी ये NIT के साथ कंपेयर होगा नेक्स्ट ईयर तक। तो नेक्स्ट ईयर ऐसा भी नहीं, नेक्स्ट ईयर जोसा काउंसलिंग हो सकता है और आप OG काउंसलिंग नहीं हो सकता, इसलिए तो अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं आया, पर फिलहाल जितना अभी पता चल गया है कि अभी अच्छे से डेवलपमेंट होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। तो आप बिल्कुल मत देरिए, यहाँ पे आ जाइए, एडमिशन लीजिए अपना, यहाँ पे बिल्कुल भी रैगिंग नहीं होता है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ, आपको सीधा मिलूँगा डिनर के टाइम पे और दिखाऊँगा आज का फेस्ट में डिनर पे क्या बन रहा है। तो गाइस चलता हूँ, आपको सीधा मैं मिलूँगा डिनर पे, तो चलते हैं। तो अभी फिलहाल टाइम बच चुका है 9:30 और मैं जा रहा हूँ हॉस्टल के मेस के तरफ और अभी देखेंगे क्या क्या डिशेस बना है, तो फिर हम वहाँ जाके देखते हैं गाइस। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चे यहाँ पे कैसे वेट किए हैं, यहाँ पे अभी देख सकते हैं क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो ऐसा है कुछ। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा दोस्त प्रखर भाग रहा है लेके। तो दोस्तों अभी हम खाना कंप्लीट कर लिए, अभी नहीं अभी टाइम तो फिलहाल हो रहा है अभी 11 बज रहा है और हम खा के थोड़ा सा क्या होता है ना, हम थोड़ा सा अभी जैसे आप साइड में देख सकते हैं कितना पार्क यहाँ पे है, थोड़ा सा इसको CG बोलते हैं, सेंट्रल गार्डन, आप साइड में देख सकते हैं पीछे मेरा लाइट जल रहा है। हम खा के थोड़ा सा अभी 11 बज रहा है करीबन और हम दोस्त लोग के साथ कभी कभी यहाँ वॉकिंग के लिए आ जाते हैं। तो यही था आज का, बहुत टेस्टी खाना बना था, आपको जैसे वीडियो में दिखाया कैसे मटन बना था और उसमें आइसक्रीम बना था साथ में एक स्वीट, और वेज खाने वालों के लिए पनीर और साथ में चिली गोभी भी दिया गया था और आइसक्रीम एक दिया गया था लास्ट में। तो काफ़ी अच्छा एंडिंग था, अच्छी चीज़ बोल सकता हूँ कि ऐसे बच्चों को देना चाहिए स्टूडेंट लोगों को, ताकि वो जो थोड़ा सा हमेशा ये नहीं कि उनको ऐसा फील आए कि वो हॉस्टल का खाना रोज़ रोज़ खा रहे, तो कभी अच्छा मिल जाएगा तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो सारा हॉस्टल में ऐसा दिया जाता है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज। तो यही उम्मीद के साथ बहुत आपको सोचा होगा कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो यार गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो नीचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा हाथ मार दो सब्सक्राइब बटन पे, लाइक भी कर दिया करो। तो इसको जैसे आप सेंट्रल गार्डन बोलते हैं, आपको थोड़ा सा मैं अभी ओवरव्यू दे देता हूँ, अभी थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा तो अच्छा से बेटर है, आपको पता चलेगा, आप सोच रहे हो ये कहाँ आके खड़ा हो गया, कहाँ लाइट वाइट लाइटें वाइट जल रही हैं, तो आपको थोड़ा सा बता दूंगा तो अच्छा रहेगा। तो आप मेरे को देख सकते हैं यहाँ से, आप देख सकते ये साइड में हमारा, इस साइड दिखाओ, ये मरीची हॉस्टल है इसका, ठीक है। और साथ में अगर आप पीछे घूम के देखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये साइड में आप देख रहे हो ये है प्रोटू हॉस्टल है इस साइड, और उस साइड घुमाओ कैमरा, उस साइड आप देख सकते हो वो है हमारा वशिष्ठ है हमारा, बोल दिए कैमरा मैन भाई साहब। और आप पीछे देख सकते हो वहाँ पे है अत्री हॉस्टल, हम पीछे वहाँ से आप वीडियो आपको रोज़ देखते थे, हम पहले वहाँ पे अत्री पे थे जो कि अभी रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो इसके वजह से हमको शिफ्ट करना पड़ा वहाँ पे, हम अभी है मरीची में। तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, यहाँ पे आप जैसे देखते हो लाइटें फाइटें कैसे जल रही है, पास आओ थोड़ा सा देख सकते हो, बेसिकली ये कहीं वाटर जैसा है, RGB लाइटें फाइटें जल रही है, इतना अच्छा है। तो वही चीज़ है आज का, तो ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब करो और जल्दी सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपका रिप्लाई जल्दी दे पाऊँगा, कुछ कमेंट करोगे तो नीचे, अगर वीडियो आपको ऐसा पसंद आता है और किस टाइप का वीडियो चाहते हो, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बना दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। तो इसी उम्मीद के साथ तो चलते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आपको कल।